वेलकम गाइस, वेलकम टू द माय अनदर ब्लॉग। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार मैं फिर आ चुका हूँ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे। इस वक्त मैं हूँ शास्त्री पार्क में और आप देख रहे हैं इस एक्सप्रेस वे का ये पहला दिल्ली के साइड एंट्री पॉइंट। इस रास्ते से जैसे ही आप इंटर करते हैं तो आप इस एक्सप्रेस वे पे जो है आपका एलिवेशन सेक्टर, उस पर आप आ जाते हैं। जो लोग कश्मीरी गेट की तरफ से आ रहे हैं और उनको इस हाईवे पे आना हो तो इस रास्ते से आप इस हाईवे पे आ सकते हैं। अभी यहाँ पे ढेर सारा वर्क कंप्लीट किया जा रहा है और इस हाईवे पे एंट्री पॉइंट की जगह से आप जो देख रहे हैं ये बस जो जा रही है DTC की, ये रास्ता जो है आपका ये सामने वाला जो फ्लाईओवर है इस पर आ जाता है। इस रास्ते के थ्रू आप आनंद विहार की तरफ आप जा सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे का जो एलिवेशन सेक्शन है दिल्ली के गांधी नगर से स्टार्ट हो जाता है और ये जो एक्सप्रेसवे है आपका जो एलिवेशन सेक्शन इसका जो है 70-75% जो है आपका ये आपका एलिवेटेड नहीं रहेगा। आपका एक्सप्रेसवे के ऊपर साइन बोर्ड लगा दिया गया है, इस सेक्शन पे आप देख सकते हैं। इसके ऊपर जो रोड का काम वो भी आपका जो है 80-90% कम्प्लीट कर लिया गया है। हम इसके नीचे जो है आपकी जो सर्विस लेन है, जो 3-3 लेन की दोनों साइड जो सर्विस लेन है, अभी हम उसको कवर करेंगे। जैसे ही हाईवे ऊपर पूरी तरह कंप्लीट होता है तो फिर इसके ऊपर भी हम एक बार आपको इसके ऊपर रिव्यू देंगे। आपको जैसे ही हम इसके आगे बढ़ते हैं देखेंगे सामने एक बस स्टैंड जो बना के कंप्लीट कर लिया गया है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में जहां जहां भी तोड़फोड़ हुआ है और जो भी बस स्टैंड थी जो तोड़ी गई थी उसे फिर से दोबारा बना के रेडी कर लिया गया है नए तरीके से। इस तरह के बस स्टैंड आपको इस रास्ते में दोनों साइड में बनता हुआ आपको दिख जाएगा। देख सकते हैं सामने जो JCB जो क्रेन लगी हुई है, क्रेन पे जो वर्कर वर्क चढ़ के इसके ऊपर जो है जो पेंडिंग वर्क है उसे कंप्लीट कर रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं ये जो है पाइप रखी हुई है, ये पाइप इस हाईवे के ऊपर जो है इंस्टॉल किया जा रहा है। इसको इंस्टॉल करने का जो मेन रीजन है आप देख सकते हैं जो सामने पानी गिर रही थी हाईवे के ऊपर से, वो पानी इसके ऊपर ना आए रोड के साइड में, उसे रोकने के लिए ड्रेनेज का जो पानी है उस पाइप के थ्रू जो है नीचे आपकी आ जाएगी। देख सकते हैं कि दोनों साइड सर्विस लेन के बीच में जो ये पाइप जो है इंस्टॉल करके नीचे की तरफ इसे लाया जा रहा है ताकि बारिश का पानी जो भी है वो सीधे नीचे आ जाए और इसके बीच में जो है मिट्टी फिलअप करके इसमें पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और वो पानी इसके अंदर जो है आ जाएगा और जो पानी वेस्टेज भी नहीं जाएगा और पेड़ पौधों के इस्तेमाल में हो जाएगा और रोड साइड की जो पानी है वो क्लीन रहेगी। देख सकते हैं ये पूरी रास्ते में इस तरह से ही इसको इंस्टॉल किया जा रहा है। आप यहाँ पे हाईवे के निर्माण में छोटी छोटी चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखा गया है NHAI की तरफ से। ऐसे ही हम शास्त्री पार्क से आगे बढ़ते हैं तो उस्मानपुर के पास आपको यहाँ पे इस आपका एक्सप्रेसवे का जो आपका एग्जिट पॉइंट आपको दिख जाएगा बना हुआ। ये एग्जिट पॉइंट जो लोग देहरादून की साइड से आ रहे हैं वो लोग यहाँ पे आप आके यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। जिन लोगों को दिल्ली की साइड कश्मीरी गेट जाना हो, शाहदरा या आनंद विहार की तरफ जाना हो वो लोग यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो आपके एक्सप्रेसवे जा रही है यहाँ से सीधे वो आप जो है अक्षरधाम या नोएडा की तरफ आप सीधे निकल जाएंगे। मैं इस एग्जिट पॉइंट से नीचे आ चुका हूँ और मैं अब धीरे धीरे खजूरी की तरफ बढ़ रहा हूँ और जैसे ही आप देखेंगे इस एग्जिट पॉइंट के नीचे जो है प्लांटेशन का काम किया जा रहा है, इसके साथ जो ड्रेनेज वर्क वो भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है और धीरे धीरे जो आपकी ये है एग्जिट पॉइंट धीरे धीरे यहाँ से ये फिर हाइट लेते हुए ये जो एक्सप्रेसवे के साथ मिल जाएगी। तो इसमें प्लांटेशन का काम करने का जो आइडिया काफ़ी अच्छा लगा मुझे, यह भी एक काफ़ी अच्छी पहल है NHAI की। एक्सप्रेसवे पे जो है लाइटिंग का काम ऊपर तो किया ही जा रहा है, उसके अलावा नीचे की तरफ जो है ये सर्विस लेन जो बनी हुई है इसके नीचे भी जगह जगह लाइटिंग का काम कंप्लीट कर लिया गया है। लाइट इंस्टॉल कर लिया गया इसके नीचे भी, बड़ी हेलोजन लाइट इसके नीचे लगाई गई है। एक्सप्रेसवे पे जो गार्टर लगाया गया गार्टर के साथ ही इस पर लाइटिंग इंस्टॉल किया गया है और अच्छा 10-15 मीटर की डिस्टेंस पे दोनों साइड में ये लाइटिंग लगाई गई है इसके नीचे। इसके अलावा भी वर्कर्स आपको जगह जगह पे जो भी छोटा मोटा पेंडिंग काम रह गए वो करते हुए दिख जाएंगे। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो ग्रिल वर्क जो है दोनों साइड उसे लगा कंप्लीट कर लिया गया है।
पेंट भी इस पे जो है आपका जो येलो और आपके जो ब्लू कलर का वो कर दिया गया है और काफी बेहतरीन लुक लग रहा है इस एक्सप्रेसवे का। नीचे के साइड से इसके नीचे भी जो आप देखते हैं क्रैश बैरियर में उसे भी पेंट कर दिया गया है और नीचे का जो जो रास्ता है उसे बिल्कुल बना के कंप्लीट कर लिया गया है। अपन साइड का जो ड्रेनेज वर्क है उसे भी कंप्लीट किया जा रहा है। जगह जगह पे थोड़ी सी जहाँ पे जो पेंडिंग वर्क रह गई थी किसी कारणवश उसे भी जल्दी कंप्लीट किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे के साथ आपको एलिवेशन का एक रास्ता जो जाता हुआ दिख रहा है, ये रास्ता जो देख रहे हैं जो लोग आपकी जो है भजनपुरा के सत्र के सोनिया बिहार की तरफ जाना चाहते हैं तो वो लोग इस तरफ से यहाँ पे वो एग्जिट दे सकते हैं। अभी हम चलते हुए आ चुके हैं खजूरी के पास और सामने आपको दिख जाएगा खजूरी का निर्माणधीन मेट्रो स्टेशन। दिल्ली की सबसे ज्यादा व्यस्त एरिया में से एक आपका ये खजूरी भी आता है। अब जब भी आएंगे आपको ऐसे ही यहाँ पे भीड़ भाड़ आपको एनी टाइम मिल जाएगा। आपको खजूरी के इस हिस्से पे जो है आपका यहाँ पे एक तो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के साथ साथ यहाँ पे जो मेट्रो का जो वर्क जो पिंक लाइन मेट्रो वो एक्सटेंड होके यहाँ से आ रही है और उसके ऊपर जो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बन के आ रहा है। इस वजह से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का जो यहाँ हाइट अप्रोक्स 80 मीटर टू 90 मीटर के आसपास रखा गया है कि आपकी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा हाइट पे आ जाती है। जैसे आप दाई तरफ अब यमुना बिहार की तरफ और बाई तरफ जो है आप भजनपुरा की तरफ जा सकते हैं और ये देखिए इसकी हाइट। दोस्तों एक छोटा सा अपडेट था इस एक्सप्रेसवे के रिगार्डिंग, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। दोस्तों आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। धन्यवाद आपका मेरी ये वीडियो देखने के लिए। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।